हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है रीना की रियल लाइफ में। मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और बच्चों लोग के लिए बनाना है ब्रेकफास्ट लंच। तो आज मैं बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ना कुछ अलग सब्जी बना रही हूँ जो कि बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो चलिए बनाते हैं। और पहले हम एक कढ़ाई को गर्म कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। पहले हम इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे जिससे कि सब्जी बहुत ही टेस्टी बनेगा। एक तेज़पत्ता डालेंगे, एक बड़ी इलायची को क्रश करके, और एक दालचीनी का टुकड़ा, और एक छोटा चम्मच जीरा, और बारीक कटा हुआ 3 मीडियम साइज का प्याज। और इन सब चीज़ों को डाल करके अच्छे से हम इसे पकाएंगे। प्याज को हमें पकाते हुए गोल्डन ब्राउन कर लेना है, तभी सब्जी जो है टेस्टी बनेगा। तो प्याज को हमें अच्छे से पकाना होता है अच्छा सब्जी बनने के लिए। बच्चों को लंच बॉक्स में ना कुछ चेंज करके देना पड़ता है क्योंकि एक जैसा तो खा नहीं सकते हैं। अगर हर रोज़ हम एक ही जैसा खाना देंगे ना तो उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो इसलिए हम कुछ ना कुछ चेंज करके देते रहते हैं ताकि बच्चों को पसंद आए और बच्चे लंच बॉक्स को फिनिश कर दें। तो जब तक प्याज पक रहा है तब तक हम इधर मलाई निकाल ले रहे हैं। रात का रखा हुआ दूध है तो इसमें मलाई अच्छे से जम जाता है। तो पहले हम मलाई को निकाल लेते हैं क्योंकि अभी हमें चाय बनाना है। अभी मैं चाय नहीं बनाई हूँ तो सोची कि जब तक प्याज पक रहा है तब तक हम कुछ आगे का भी अपना काम कर लेते हैं। तो चलिए ये भी काम हो गया मेरा। तो ये देखिए प्याज जो है अच्छे से पक गया है। तो अब हम इसमें 2 मीडियम साइज के टमाटर काट करके डाल देंगे। और प्याज और टमाटर को ना बारीक अगर चॉप करके डालते हैं ना तो प्याज टमाटर को पकते हुए टाइम नहीं लगता है। तो अब हम टमाटर डाल करके इसमें हम डालेंगे नमक, क्योंकि नमक डालने से ना प्याज टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाता है और जल्दी से पक जाता है। सुबह का टाइम जो होता है ना बहुत ही बिजी वाला टाइम होता है और बच्चों को झटपट बना करके लंच बॉक्स के लिए देना रहता है, ब्रेकफास्ट बनाना होता है। इसलिए हम चाहते हैं ना कि जो भी बनाए हम जल्दी से बनना वाला हो और झटपट बन जाए। तो आज ना हम सोयाबीन का कीमा बनाएंगे और ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। एक साइड में चाय बनने के लिए भी रख दी थी ताकि साथ साथ चाय भी बन जाए, ताकि हम लोग चाय भी पी लें। तो चाय बन गया है, अब हम लोग चाय पियेंगे और धीरे धीरे मेरा सब्जी जो है बन रहा है, तब तक हम चाय भी पी लेंगे। और यहाँ पर ना मैं सोयाबीन भिगो करके रखी हूँ गर्म पानी में, हल्का गुनगुना पानी में, ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो ये अच्छे से फूल गया है तो अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो इसका पानी ना अच्छे से निचोड़ करके और इसे ग्राइंड करना होता है। थोड़ा भी इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, बिना पानी को हमें इसे ग्राइंड करना है। तो पहले हम सारे सोयाबीन को पानी से निकाल करके और ग्राइंडर जार में ले लेते हैं, उसके बाद से हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। सोयाबीन का कीमा ना बहुत ही टेस्टी बनता है। तो टमाटर प्याज सॉफ्ट हो गया है तो अब हम इसमें मसाले डाल देंगे। तो मसाले में हम 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच इसमें हम लाल मिर्च का पाउडर, और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, और 1/4 चम्मच इसमें हम गरम मसाला डालेंगे। और सारे मसाले को डाल करके अब हम मसाले को अच्छे से भूनेंगे। और यहाँ पर ना हम लहसुन और अदरक को कूट करके डाल रहे हैं। अदरक लहसुन को कूट करके डालने से ना सब्जी बहुत ही टेस्टी बनता है। अब हम लो मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट तक मसाले को अच्छे से भूनेंगे। मसाले को जितने हम अच्छे से भूनेंगे ना सब्जी हमारा उतना ही टेस्टी बनता है। मसाला भुनने के बाद ना अब हम इसमें ग्राइंड किया हुआ सोयाबीन डाल देंगे। और ये देखिए इसे हमें बारीक पीसना नहीं होता है, इसे हमें दरदरा पीसना होता है। और ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनता है। एक बार इस तरीके से बना करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगा। और अब हम सोयाबीन को मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसके साथ हम 1 मिनट तक और भूनेंगे। चीज़ अच्छे से भून गया है तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो यहाँ पर मैं 1 गिलास पानी डाल रही हूँ।
और इसे हमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखना है इसमें, तो इसीलिए हम 1 गिलास पानी डालेंगे और इसे हम पका करके थोड़ा सा इसे हम सूखा कर लेंगे, ताकि बच्चों को लंच बॉक्स में रखना है तो ज़्यादा ग्रेवी रहेगा तो बच्चे खा नहीं पाएंगे, तो इसलिए हम थोड़ा सा ग्रेवी रखेंगे। तो इसमें हम 1 गिलास पानी डाल दिए हैं और इसे हम ढक करके 4 से 5 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। अब हम इसमें ना 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। घी डालने से ना इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, तो 1 चम्मच घी डाल करके इसे हम सब्जी के साथ मिक्स कर लेंगे। और अब हम सब्जी को कवर कर दे रहे हैं, और कवर करके गैस का फ्लेम लो रखेंगे, ताकि नीचे तली सब्जी जले ना। और 5 मिनट होने के बाद इसे हम खोल करके देखेंगे, ये आप देख सकते हैं सब्जी बहुत ही लाजवाब बना है और इसमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं है, अच्छे से पक गया है। और इस सब्जी को आप बड़े बच्चे किसी के भी लंच बॉक्स में दे सकते हैं। ये देखिए बहुत ही टेस्टी और लाजवाब सोयाबीन का सब्जी बना है, बिल्कुल पनीर के जैसा लग रहा है। तो चलिए अब हम फटाफट पराठा बना ले रहे हैं, क्योंकि इस सब्जी के साथ बच्चों को पूड़ी या पराठा चाहिए, तो इसलिए मैं सोची कि पराठा बना दे रही हूँ। सबसे पहले ना मैं एक रोटी बना लेती हूँ और उसके बाद से पराठा बनाऊंगी, क्योंकि सुबह सुबह ना गाय आती है गेट पे तो खिलाना रहता है। तो पहले मैं रोटी या पराठा कुछ भी बनाऊँ ना, तो पहले मैं एक रोटी निकाल करके अलग रख देती हूँ, उसके बाद से मैं जो रोटी उसके बाद बनाती हूँ वो रोटी सबको ही खाता है। और एक रोटी को मैं फोल्ड करके रख देती हूँ अलग कटोरी में, ताकि गाय आएंगी तो खा लेंगी। इस तरह एक जगह रख देंगे ना तो जूठा हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसे अलग रख देती हूँ। पराठा ना हम बिल्कुल सिंपल पराठा बनाएंगे, जो ट्रायंगल शेप का होता है इस तरीके से। और मेरे यहाँ ना इसी तरीके से पराठा ज़्यादा बनता है, हम लोग इसी तरीके का पराठा ज़्यादा खाते हैं। तो इस तरीके का सिंपल पराठा बनाना मेरे लिए आसान रहता है और हम इसी तरीके से ज़्यादा पराठा बनाते हैं। तो चलिए पहले पराठा बना ले रही हूँ और बच्चों के लिए टिफ़िन रख दे रही हूँ, उसके बाद से आप लोगों से मिलती हूँ। चलिए जी पराठा बन गया है, तो अब हम पहले बच्चों लोग के लिए रख देते हैं, उसके बाद से आगे का काम करेंगे, क्योंकि बच्चों लोग को लेट होने लगेगा। तो यहाँ पर मैं टिश्यू पेपर में लपेट करके बच्चों लोग के लिए पराठा रख दे रही हूँ और एक में सब्जी रख दे रही हूँ। बच्चों को अगर लंच बॉक्स में एक ही चीज़ दीजिए ना, तो बच्चे भी उब जाते हैं खाते खाते और उनका भी खाने का मन नहीं करता है, बच्चे टिफ़िन अच्छे से खा नहीं पाते हैं। और सब्जी ही रोटी दीजिए, लेकिन अलग अलग तरीके से बना करके अगर देते हैं ना, तो उसी को बच्चे मज़े से खाते हैं और टिफ़िन जो है फिनिश करके आते हैं। मैं ज़्यादातर ना सब्जी रोटी ही देती हूँ बच्चों को, लेकिन सब्जी अलग अलग तरीके से बना करके देती हूँ, तो मेरे बच्चे अच्छे से टिफ़िन बॉक्स को खाली करके आते हैं और बहुत अच्छे से खाते हैं। तो चलिए बच्चे स्कूल चले गए हैं और बाकी का काम हम निपटा लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा आटा बचा हुआ है, तो इसको मैं जो ऑयल वाला कटोरी है ना उसी में रख दे रही हूँ, ताकि इसमें थोड़ा सा ऑयल लग जाएगा ना, तो एक आटा जो है ऊपर से ख़राब नहीं होता है फ्रिज में रखने के बाद भी, नहीं तो रख दिया जाता है ना तो ऊपर से ब्लैक ब्लैक जैसा हो जाता है। और थोड़ा सा अगर हम इसमें तेल लगा करके रख देते हैं ना, तो ये बिल्कुल ब्लैक नहीं होता है। तो चलिए यहाँ पे अब हम सारे बर्तन को धोएंगे, सुबह का टाइम है तो काम ज़्यादा ही रहता है, सारे चीज़ों को हम अच्छे से पोंछ करके रखेंगे, ताकि इसमें जो भी आटा वगैरह उड़ा रहता है तो सब पड़ा रहता है हर चीज़ पे, तो इसे हम साफ़ कर लेंगे और उसके बाद से हम अपना आगे का काम करेंगे।
तो बना लिए हैं और अब हम सारे चीज़ों को झाड़ करके जो सूखा आटा उड़ा रहता है इसे हम बड़ा सा परात में झाड़ लेते हैं ताकि इधर उधर आटा चिपकेगा नहीं। और उसके बाद से हम इसे गीले कपड़े से साफ़ करते हैं। तो इस तरीके से अपना किचन भी क्लीन कर लेती हूँ। और ये जो रोटी बनाने वाला बेलन जो है इसे हम रोज़ की तरह पानी से धो करके निकाल लेंगे। और इतने सारे बर्तन पड़ा हुआ है सिंक में धोने के लिए, ये देख लीजिए कितना सारा बर्तन सुबह सुबह में हो जाता है। तो अब हम सारे बर्तन को पहले साफ़ करेंगे, उसके बाद हम आगे का काम करेंगे। अभी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है करने के लिए, झाड़ू वगैरह सब, पोछा वगैरह सब करना है। तो पहले मैं किचन को क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद से अब आगे का काम करूँगी। और मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।